हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे मूंग दाल नमकीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे मूंग दाल नमकीन। तो यहाँ पर मैंने लिया था आधे कप मूंग दाल और इसे मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह उठकर इसे मैंने अच्छी तरह से 3-4 पानी में धो लिया, इसके छिलके उतार दिया। और इसके बाद अब इसे मैंने तेज़ धूप में 1 घंटे के लिए धूप में फैला दिया था। अब ये सूख चुकी है, पानी इसमें नहीं है लेकिन अंदर इसमें नमी ज़रूर है। तो अब हम चलते हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। मूंग दाल को अगर हम कढ़ाई में तलेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी और इसे समेटने में भी परेशानी होगी, इसलिए हमने एक छलनी लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे हम तलेंगे बारी बारी कर करके। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा रखी है और तेल हमें गरम चाहिए। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम छलनी के ऊपर हमने दाल रखी है मूंग दाल तलने के लिए। अगर हम कढ़ाई में डालेंगे तो हमें फिर से समेटना पड़ेगा, परेशानी भी होगी। तो इसके लिए मैंने छलनी में ही मूंग दाल को रखा है। अब हम इसे तलेंगे। मूंग दाल हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी मूंग दाल को भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। इसे पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में। हमारी मूंग दाल नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें ऊपर से मिला देते हैं नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाना है इसे तो आप इसमें नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरी धनिया पत्ती डाल सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।